नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गुरुवीर सिंह बहुत जी हैं जो बाबा साहब की बातों को घर घर जाके पहुँचाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी बाबा साहब की सेवा में लगा दी। बहुत सर, पहले तो आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सर, एक बात नहीं, आप कहीं पर जाके मेरे इस बातों को समाज में समाज कैसे पाएगा और कैसे बन पाएगी बहुजन समाज की सरकार। और कैसे बन पाएगी, निराशा की बात नहीं है, क्योंकि इतनी जागृति से जो हजारों सालों से जो शासक हैं और जिनके पास मीडिया भी जिनके पास है, जिनके पास पेपर पत्रिका मैगजीन भी हैं, सारे चैनल हैं, और बहुजन समाज के पास कोई चैनल भी नहीं है, कोई मीडिया भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, पत्रिका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी जो शासक है अगर चिंतित है, घबराया हुआ है, तो इन्हीं बहुजन समाज के लोगों के हैं, पूरी अंबेडकरी विचारधारा से जो जन जन तक फैल रही है, ठीक है। तो ये जितनी जन जन तक फैल रही है, हमारा जैसे आप दिखा रहे हो बात किसको, जिस दिन हमारे चैनल होंगे जो सही बात को दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो देश में लोकतंत्र बेहतर ढंग से आ सकती है। जो बाबा साहब चाहते हैं कि जैसे लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में बदलना चाहिए, तो वो तभी बदल पाएगा जब समाज में बराबरी, सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी। उसके लिए उन्होंने कहा था ना कि एक आदमी की एक वोट तो बराबर, मगर उसकी वैल्यू बराबर नहीं है। जब वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगी, तो राजनीतिक लोकतंत्र वो सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदला है। इसलिए वो कह रहे थे कि एक आदमी की जो एक वोट है उसकी एक वैल्यू ना होगी, जब वो सामाजिक रूप से भी बराबर होगा और आर्थिक रूप से भी बराबर होगा। जैसे पार्टी बनाता है, वो पार्टी में गांव के बहुत बड़े एक जमींदार को अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेता है और एक बहुत बड़े सेठ को जोड़ लेता है। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी की पार्टी है, वो भी एक मजदूर को अपने साथ लेती है और एक दूसरे मजदूर को भी साथ लेती है। तो दोनों की, इन मजदूरों की वोट और उन दोनों की वोट तो दो ही है, मगर वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनमें बहुत फर्क है, इसलिए उनकी वैल्यू अलग है। ये फर्क जब तक खत्म, बहुजन समाज अपनी वोट को जोड़ने लग रहा है। और कहीं ना कहीं ईवीएम के बारे में क्या बोलेंगे आप, ईवीएम का कुछ हाँ नहीं होता है, वो भी बताएं। नहीं, ईवीएम एक ही लोकतंत्र को इन्होंने जो शासक है, हकीकत तो ये है, बाबा साहब जिनको शासक बनाना चाहते थे वो शासक नहीं बने, जिनको नहीं बनाना चाहते थे उनके हाथ में उस समय की सत्ता आ गई, उनको शासक बना दिया। तो जब उनके हाथ में लोकतंत्र आया, तो उन्होंने लोकतंत्र लागू ही नहीं किया, यानी कि उस समय जो वोट डालने का सिस्टम था वो पेटियां रखी जाती थी और उनमें फोटो होते थे, ठीक है ना। तो क्या करते थे पहले, पेटियों में से इसमें से वोट निकाली, उसमें डाल दी, उसमें से निकाली। इतने सालों तो ये लोकतंत्र चला। उसके बाद हमारे को वोट ही बोलती जगह नहीं डालने दी जाती, उसके बाद बूथ कैप्चरिंग हुई, ठीक है। अब जैसे जैसे जागृति आई, अब उसके बाद ईवीएम आ गई है, इसमें लोगों को इतना डाउट है कि लोगों में जो आक्रोश है वो इतना है कि भैया सरकार बदलनी चाहिए मगर बदल नहीं पा रही, इसलिए लोगों को डाउट है कि ईवीएम खराब है। और अगर समाज के लोग, जो लोकतंत्र में अगर समाज नहीं चाहता कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए, तो उसको हटाना चाहिए ताकि हो सके और लोगों को विश्वास हो सके, जिसको हमने वोट दी है उसी को गई है, ये उसको विश्वास हो सके। आज उनको विश्वास नहीं हो पा रहा, क्या हम वोट किसी को दे रहे हैं, जाके किसी को दे रहे हैं, कितनी जगह दिखाए ईवीएम से चुनाव चाहिए। नहीं नहीं, ईवीएम से तो कोई भी नहीं चाह रहा, केवल शासक वर्ग चाह रहा है और उनका चुनाव आयोग चाह रहा, क्योंकि अपने ढंग से उनको बना रहे। जनता नहीं चाह रही, बहुजन समाज नहीं जा रहा, और यहाँ तक कि राजनीति में भी बहुत सी पार्टियाँ नहीं चाह रही, मगर वो इस इश्यू को लेकर सड़क पर नहीं आ रही है। बहुजन समाज सड़क पर आ रहा है, विरोध कर रहा है, तो हम तो सब चाहते हैं कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए।